दंगल गर्ल और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान खेल उपनिदेशक बबीता फोगाट ने कहा कि खिलाड़ियों के समक्ष अब दिखते नहीं आएंगी। खेल उपनिदेशक के पद पर होते हुए वे खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हुए उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करवाएंगी, ताकि हरियाणा में खिलाड़ियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन करके देश में उच्च स्थान पर लाने में विशेष भूमिका निभाई जा सके। वहीं बबीता फोगाट को प्रदेश सरकार द्वारा खेल उपनिदेशक बनाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं सहित कई सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मानित भी किया गया। बता दें कि दंगल गर्ल बबीता फोगाट चरखी दादरी विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कि उन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया है कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है। जो हमारी जो बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, तो ये जो आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया, इससे क्या है कि महिलाओं के अंदर जागरूकता आएगी और महिलाएं आगे बढ़ेंगी, एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। अगर वो खुद जागरूक हो गई तो हर चीज क्षेत्र में, हर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ के काम कर सकती है। और मेरा उनको पूरा सपोर्ट रहेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी तरह से हो, हमेशा मैं महिलाओं के लिए और हमेशा हम महिलाओं को प्रेरित करने के लिए उनको सपोर्ट में खड़ी रहूँगी। धन्यवाद करूँगी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कि उन्होंने जो मुझे पद दिया है और उन्होंने खिलाड़ियों की भावनाओं को समझा और उनको महसूस हुआ कि खिलाड़ी आगे आने चाहिए, और उन्होंने जो पद मुझे दिया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि खिलाड़ियों को ज़रूरत थी और उन्होंने उसको चीज़ को समझ, क्योंकि जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे और हम, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है वो खेल की भावना को अच्छे से समझता है, उनको पता होता है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से निकले हुए होते हैं कि क्या क्या समस्याएँ हैं और कि क्या क्या चीज़ हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो उन्होंने जो तालमेल बैठाए, खेल मंत्री भी हमारे संदीप सिंह जी हैं, उनका भी धन्यवाद करूंगी कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर काम करने का मुझे मौका मिला है। तो खेलों के अंदर कुछ आपको बहुत जल्द ही बदलाव दिखाई देगा और खेलों को और आगे लेके जाएंगे। प्राथमिकता देखिए, डिप्टी डायरेक्टर बनाए तो पूरा स्पोर्ट्स मेरे अंडर आएगा और खेल पॉलिसी हो चाहे उसको, उसके अंदर बदलाव लाना हो या खिलाड़ियों के कैश अवार्ड की बात हो, कोई भी समस्या है उनको जो भी, चाहे खेल नीति के अंदर कोई भी अगर समस्या है उसमें बदलाव लेके आना है, तो मैं सेम सबसे बात करूंगी, खेल मंत्री जी से भी, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी से, सबसे बात करके, और हमारी, क्योंकि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात रखने का और अपनी चीज़ों को सुधारने का, और ये मौका हमें दिया गया है तो हम इसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मानते हुए सारी चीज़ों को सुधारेंगे।